हेलो एवरी वन वेलकम टू मोफ द स्टोरी दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास सेवन चैप्टर नंबर थ्री किंगडम एनिमीलिया पार्ट थ्री टू पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि आपको क्लास सेवन की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज़ को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कॉमेंट सेक्शन ने मुझे कॉमेंट करके बताएँ दैट विच ऑफ विच चैप्टर यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन यू चलिए आज का uh, वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री है ये हमारा इसमें हम चैप्टर नंबर थ्री की काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट चेक पॉइंट वन तक के हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी uh, आज हम पूरा जो एक्सप्लेशन था इन वर्टिब्रेट्स के बारे में वो कर चुके हैं अगर आप uh, ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्लास सेवन की प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगी एंड चैप्टर वन टू की वीडियोस भी मिल जाएंगी सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस आज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स को इन वर्टीब्रेड्स मतलब वो जिनमें बैकबोन नहीं होती है एंड वर्टीब्रेड्स में डिवाइड किया गया है तो वर्टिब्रेट्स हम इन वर्टिब्रेड्स हम डिस्कस कर चुके हैं अब हम वर्टी ब्रेड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे सो so स्टूडेंट्स अगर हम वर्डी ब्रेड्स की बात करें सो यू कैन सी क्लासीफिकेशन वर्डी ब्रेड्स आर द एनिमल विद बैकबोन और वर्टरेबल कॉलम वर्टिब्रेट्स क्या है? वो हैं वो एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन यानी कि रीढ़ की, की हड्डी प्रेजेंट है जिसको हम वर्टिब्रिल कॉलम भी कहते हैं दे आर क्लासीफाइड इन टू फाइव क्लासेस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने चार्ट डिस्कस किया था ये पांच क्लासेस में क्लासी क्लासीफाई किए गए हैं पाइसिस जिसमें फिशज आती हैं एम्फीबियंस वो एनिमल्स जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं रेप्टाइला एव्स एंड ममीलिया तो ये पांच सब डिवीज़न हैं वोटी की सो so, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं पाइसिस के एग्जांपल्स हैं सी हॉर्स शार्क कतला ये सभी फिशेस के एग्जांपल हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारे पास दैट इज़ द पाइसिस स्पाइस में फिशेस आती हैं जितनी भी मछलियाँ हैं फिश लिवस फिशेज लिव, फिशे लिव इन वाटर यू ऑल नो कि सारी मछलियाँ पानी में ही रहती हैं दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स इनकी बॉडी में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको फिनस कहते हैं तो अपने इन फिनस की मदद से जो ये क्या करती हैं पानी में तैरती हैं देयर बॉडी इज़ स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि बॉडी इनकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर इस तरह से सीधी सीधी होती है ताकि पानी का जो बहाव है उसको ये का, काट करके स्विम कर सकें तो स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम के जैसा जो लहराता हुआ स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी होती है विच हेल्प इन स्विमिंग जिसकी मदद से ये आसानी से स्विम कर सकते हैं पानी में फिशेस ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल गिल्स एंड हैव टू चैम्बर हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप कहीं पे नोट no डाउन कर लें अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए फिशेस के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं गिल्स जिसकी मदद से वो सांस लेती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो हार्ट है वो कैसा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो चैम्बर्स प्रजेंट होते हैं जैसे आपने ह्यूमस हार्ट के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर फोर चैम्बर प्रेजेंट है फिशेज़ में सिर्फ दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस एग्जाम्पल्स में जितनी भी मछलियाँ हैं वो सारी आ जाएंगी शार सी हॉर्स रोहू इलेक्ट्रिक रे आ, कोई भी आप यहाँ पे फिश के नेम लिख सकते हैं वो सभी पाइसेस की कैटेगरी में आएंगी यहाँ पर आप डाइग्राम देख सकते हैं फिगर थ्री पॉइंट टेन एंड आई होप कि आप सभी ने फिशेज़ रेयल में भी देखी होंगी कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने फिशज़ नहीं देखी होंगी एक्टिविटी टू क्या है टू ऑब्जर्व द फ्यूचर ऑफ द फिश इसमें आप एक फ़िश की अगर आपके घर में एक्वेरियम है आप उसमें देख सकते हैं एंड नीर बाई आप कहीं पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पर पॉन्ट्स वगैरह में आपको फिश देखने को मिल जाए एंड यू जस्ट हैव टू ऑब्ज़र्व द फिश अदरवाइज़ आपके स्कूल में जो प्रिजर्व स्पेसिमेंट्स होते हैं आप उन स्पेसिमेंट्स को ऑब्जर्व करिए और उनके जो फीचर्स हैं उनको नोट डाउन करिए टेक आ प्रिजर्व स्पेसिमेंट ऑफ द फिश observe it carefully and note its important feature. now draw its diagram and label various part with the help of your teacher. so यहाँ pe आप diagram देख सकते हैं कि एक फ़िश का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है उसके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे mention हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उस specimen में या जो भी आप sample लेते हैं फिश का उसमें ऑब्जर्व करना है लिखना है और डायग्राम को ड्रॉ करना है सेकेंड क्लास की तरफ मूव करते हैं उससे पहले प्लीज़ सारे बच्चे जितनी मे जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए सो दैट मुझे आपका फीडबैक मिले दैट यू पीपल एक्चुअली लाइक द वीडियोज़ एंड सो दैट मैं आपके लिए और वीडियोज़ ले करके आऊँ सो सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं दैट इज़ एम्फीबिया सेकेंड क्लास पे मूव करते हैं एम्फीबियंस एम्फीबियंस आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं फ्रॉक क्लेमेंडर ये सभी क्या हैं एम्फीबियंस हैं एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एम्फीबियंस क्या होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं दे बॉडी इज कवर्ड बाई स्लिमी एंड स्लिपरी स्किन तो जो इनकी बॉडी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्लिमी और बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है हल्की और चिकनी दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट ये स्पेशल कैरेक्टर है कि एम्फीबियंस का जो हार है दैट इज़ थ्री चैम्बर्ड हार्ट इनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है दे ब्रीथ थ्रू लंग्स अब इनमें लंग्स प्रेजेंट है ब्रीथ करने के लिए वेन ऑन लैंड जब लैंड पे रहते हैं एंड थ्रू स्किन वेन इन वाटर और जब पानी में रहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ देयर पोर्स जो स्किन पर प्रेजेंट है उससे ये ब्रीद आउट करते हैं बट देयर लार्वा ब्रीद ब्रीथ बाई गिल्स लेकिन जो इनकी लार्वर स्टेज है जैसे टैडपोल की लार्वल स्टेज सॉरी फ्रॉक की जो लार्वल स्टेज है वो क्या है टैडपोल तो वो उस स्टेज में जब लार्वल स्टेज में है तो उसमें गिल्स होते हैं और वह गिल्स की मदद से ही ब्रीथ करते हैं दे ले एग्ज़ इन वाटर और ये जो एम्फीबियंस हैं ये अंडे कहाँ देते हैं ये अपने जो एग्ज हैं ये पानी में ही ले करते हैं राइट एग्ज़ाम्पल्स right, क्या है फ्रॉक्स लेवेंडर टोड ये सभी किस में आते हैं रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं और भी बहुत सॉरी 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 एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे और एम्फीबियंस और फिशेस के नेम कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं रेप्टाइला सो हेयर यू कैन सी क्रोकोटाइल स्नेक ये सभी क्या है रेप्टाइल्स हैं दे आर मेनली लैंड वोटिब्रेड्स ये कहाँ रहते हैं ज़मीन पे रहते हैं देयर स्किन इज़ ड्राई इनकी स्किन कैसी होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है एंड कवर्ड विद स्केल्स और उसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स स्केल्स प्रेजेंट होते हैं दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम दो पेयर होते हैं पैरों के यानी कि चार ईच लिम्प हैज़ फाइव डिजिट्स ऑन क्लॉज फाइव डिजिट्स ऑन क्लॉज का मतलब क्या है जैसे लिजर्ड आपने देखी है उसके लिजर्ड समथिंग लाइक दिस तो उसके ऐसे पैर जो होते हैं और इससे बॉडी होती है नीचे की तरफ पैर होते हैं तो जो इसका ये पंजा होता है इसमें क्लॉज इस तरह के प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड क्लॉज राइट सो so, हर लिम में पांच क्लॉ डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिजिट्स होते हैं क्लॉज में राइट right? इसी तरह से क्रोकोडाइल में और जो और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी दे ब्रीथ थ्रू लंग्स ब्रीथ कैसे करते हैं सांस कैसे लेते हैं लंग्स की मदद से दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट इनका हार्ट भी थ्री चैम्बर्ड होता है रेप्टाइल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन द इन्वामेंटल टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे जो जिस जगह पे रहते हैं उस उस जगह के टेम्परेचर के हिसाब से उनका बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज करता है रेप्टाइल्स ले लार्ज लेदरी यो यौक एग्स यॉकी एग्स ऑन लैंड और ये जो अपने अंडे होते हैं इनके रेप्टाइल्स के ये लैंड पे देते हैं स्नेक क्रोकोडाइल लिजल टोटोइ ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइला के एग्ज़ाम्पल है? हैं अब हम फोर्थ क्लास uh, पे आते हैं एव्स एव्स में जितनी भी बर्ड्स हैं वो एव्स की कैटेगरी में आती हैं द बॉडी ऑफ द बर्ड इज़ कवर्ड विद फेदर आप सभी ने चिड़िया देखी हैं उनकी पूरी बॉडी में फ़ेदर्स होते हैं पर होते हैं दे हैव विंग्स टू फ्लाई उनके जो पंख होते हैं उसकी मदद मतलब से वो उड़ती हैं देर चोज हैव नो तीत चिड़िया की जो चोच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं ठीक है थीके? चोच उनके प्रेजेंट होती है हॉर्नी चोच का मतलब है नुकीली चोच तो चिड़िया की चोच कैसी होती है नुकीली तो होती है प्रोवाइडेड विद द हॉर्नी बीक नुकीली चोच देयर हार्ड इज फोर चैम्बर्ड अब ये याद रखेगा कि हमने फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट पढ़ा एम्फीबियन रिप्टाइला में थ्री चैम्बर्ड हार्ट पढ़ा एव्ज में जो हार्ट है वो क्या है फोर चैम्बर फीट हैव्स क्लॉज फॉर पॉचिंग ऑन द ट्रीज और इनके पंख तो पर होते हैं जो हैंड्स uh, हो जाएंगे इनके जो पैर होते हैं दो तो, उनमें क्लॉज होते हैं मतलब इसी तरह के डिजिट्स प्रजेंट होते हैं हाँ, ताकि वो पेड़ों पे और टहनियों पे बैठ सके अपने आप को होल्ड ऑन कर सके बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स क्या हैं गोल्ड ब्लडेड हैं तो बर्ड्स उसका उल्टा वॉम ब्लडेड दे बॉडी टेम्परेचर रिमेन द सेम इन समर एंड इन विंटर मतलब ये जैसे मानो कहीं ठंडक हो रही है किसी जगह पे तो ये नहीं होगा कि बर्ड्स का भी बॉडी का टेम्परेचर उसी के हिसाब से मैनेज हो जाए उनका बॉडी का टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है चाहे गर्मी हो या सर्दी हो इसी ये माइग्रेट करती हैं बर्ड्स ले हार्ड शेल एंड योगी एग्स इनके जो अंडे होते हैं उसकी शेल प्रॉपरली अच्छी सी हार्ड हो, शेल होती है योक मतलब अंदर उसमें जो येलो पार्ट है जर्दी जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट होती है स्पैरो पीकॉक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बर्ड्स के आप अपनी जो फेवरेट बर्ड्स हों उसके नेम को कमेंट सेक्शन में मेंशन में करके मुझे बताइए और अगर आपने किसी बर्ड को एज अ पेट अपने घर में पाल के रखा है सो दैट आल्सो लेट मी नो समथिंग मोर में देख लेते हैं देयर आर एट थाउजेंड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स इतनी स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया में जिसमें से 1200 जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं राइट इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं सो है यू कैन सी यहाँ पे पीजें स्पैरो पिककॉक पैरेट एंड इन सबके पिक्चर uh, बनी हुई है एंड ये सारी आपने रियल में भी देखी होंगी इफ़ येस प्लीज़ लेट मी प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स विथ येस ओके फाइव फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं फिफ्थ क्लास की तरफ जो कि मेमेलिया है मेमालिया मिंग मिल्क नरिशिंग एनिमल इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वन को मिल्क फीड करते हैं दैट्स वाई दे आर नोन एज़ मिल्क नरिशिंग क्योंकि नरिशमेंट इनको कहाँ से मिल रहा है न्यूट्रंट्स से, मिलने? से मिल रहे हैं मिल्क से मिल रहे हैं द बॉडी ऑफ द मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर जो मैमल्स की बॉडी है उसमें पूरे में हेयर प्रेजेंट होते हैं दे पजस प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल एयर इनके जो कान होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं एक्सटर्नल एयर्स प्रोजेक्टिंग बाहर की तरफ निकले हुए दे हैव फोर लेग्स एंड अ टेल इनके चार पैर होते हैं और एक टेल होती है देयर हार्ड इज़ फोर चैम्बर चार चैम्बर हार्ड होता है मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स मैमल्स क्या हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं इनका जो बॉडी का टेम्परेचर जैसे ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर क्या है कॉन्सटेंट टेम्परेचर है डज मैटर कि बाहर की सराउंडिंग का uh, क्या टेम्परेचर में वेरिएशन है वी ह्यूमन हैव अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो इसी तरह से बर्ड्स भी क्या हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं द फीमेल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी मेमोरी ग्लैंड्स जो फीमेल्स होती हैं मेमल्स की दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लैंड्स वो क्या करती हैं अपने यंग वन को फीड करती हैं मदर्स गिव बर्थ टू द यंग वन जितने भी मेमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं वो अपने जैसे अपने यंग वन को पैदा करते हैं एंड नरिश देम विद इट्स ओन मिल्क और उनको अपना ही अपने ही मिल्क से क्या करते हैं फीड करते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उसके ज़रिए राइट right? तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेमल्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं काफ़ी सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं ज्रैफ एलिफेंट्स कैंगारू टाइगर बैड ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं मेमल्स की कैटेगरी में आते हैं एक्टिविटी थ्री देख लेते हैं टू स्टडी सम बॉडी ब्रेड से अ फिश अ फ्रॉग अ बर्ड लिजर्ड इनको आपको स्टडी करना है सो यू जस्ट टू यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व ड्रॉ द डाइग्राम एंड राइट देर कैरेक्टर्स और उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपको एवलेबल well डायग्राम में मेंशन करना है सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्टिब्रेट्स अब एक बार हम वर्टिब्रेट्स को एक साथ फिर से डिस्कस कर लेते हैं आपका रिवीजन हो जाएगा पाइसिस क्या है फिशेस हैं जो कि पानी में पाई जाती हैं एंड इनकी बॉडी में फिन्स होते हैं जिनकी मदद से ये तैरती हैं और गिल्स की मदद से ये रेस्पायर करती हैं ये सभी फिशेस के एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस क्या हैं वो जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं और इनके पास दो पेयर्स होते हैं लिम के इनकी स्किन स्लिपरी होती है और ये पानी में अंडे देते हैं फ्रॉक टोर्स लेमेंडर रेप्टेलिया क्या है स्किन ड्राई है स्केली है टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट एंड जिसमें हर एक जो क्लॉज हैं उसमें पांच डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये अंडे कहाँ देते हैं लैंड पे देते हैं स्नेक क्रोकोडाइल लिजल टर्टल्स ये सभी क्या हैं रेप्टाइला के एग्जांपल्स हैं एप्स की अगर बात करें तो जो उड़ने वाली चिड़ियाँ हैं वो एव्स की कैटेगरी में आती हैं पूरी बॉडी में फेदर्स होते हैं एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे मैंशन कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में भी आप मुझे एग्ज़ाम्पल्स बताइए मेमेलियंस जिनकी बॉडी हेयर से कवर है वी ह्यूमस ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेमेलिया जिसमें मेमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और एक्सटर्नल एयर्स प्रेजेंट हैं सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट वर्टीब्रेड्स अब हम समथिंग मोर की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं वेल्स एंड डॉल्फिन आर नॉट फिश वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं कि रहते तो पानी में हैं और इनकी सारी कैरेक्टर्स कैसे हैं फिशेस वाले हैं लेकिन ये मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं दिस यू हैव टू रिमेंबर ओके सिमिलरली बैट क्या है बैट उड़ने वाला एक एनिमल है बट दिस इज़ द ओनली फ्लाइंग मैमल ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्प में पूछे जाते हैं याद रखिएगा एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट लैंड एनिमल और अगर ज़मीन पे जो सबसे बड़ा मेमल है वो एलिफेंट है और वाटर में क्या है ब्लू वेल है फीमेल कंगारू गिव टू तो द प्री मेच्योर यंग वन एंड कीप देम इन द दे पॉच पाउच कॉल मार्सोपियम अच्छा आपने कंगारू को देखा होगा कि उसके पेट के पास पाउच लगा रहता है तो वो क्या करते हैं अपने जो उनके जो बच्चे होते हैं उनको समय से पहले आ, बर्थ देते हैं उनके बच्चे पूरी तरह से ग्रो नहीं हुए होते फिर वो उनको अपने पाउच में रखते हैं और वहाँ से उनको फीड करते हैं जो मिल्क होता है इट इज़ प्रेजेंट इन दबडमिनल रीज़न इनसाइड द पाउच द यंग वन फीड्स ऑन इट्स मदर मिल्क तो वहीं पर से वो अपनी माँ का जो दूध है उसको पीते हैं वहाँ पे फीड करती है मदर और अपने यंग वंस को नरिश करती है सो आई थिंक नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड चेक पॉइंट टू को डिस्कस कर लेते हैं एव इज़ अ क्लास ऑफ द एरियल एनिमल्स ट्रू क्रोकोडाइल्स ले एग इन वाटर फॉल्स क्रोकोडाइल्स क्या है क्रोकोडाइल्स अभी अगर हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोकोडाइल्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स

ऑल इन दिस चैप्टर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है नेफ्रीडिया आप जानते हैं एनीलिडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको नेफ्रीडिया कहते हैं और जो मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको पैरापोडिया कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट फोर्थ होगा मैं आपके लिए टेस्ट योर सेल्फ का सोल्यूशन लेके आऊँगी उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितनी भी वीडियोस हैं उसको पूरी एंड तक के देखा करिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कंफ्यूजन है आपको कहाँ पे आप नहीं समझ में आ रहे हैं और विच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन यू वांट वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं पार्ट फोर्थ में मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरी वो अपलोड कर दूँगी सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़ हैव अ ग्रेट डे बाय बाय एवरी